हाय फ्रेंड्स, दो चीजों के बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं। एक तो है वेबसाइट और दूसरा है वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का मोनेटाइजेशन। दोस्तों, आपके पास में गाड़ी है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, उसी तरह से आपके पास में एडसेंस का अप्रूवल है लेकिन ट्रैफिक नहीं है। दोस्तों, ट्रैफिक होना बहुत जरूरी है आपके वेबसाइट के ऊपर में, तभी आपका एडसेंस का अप्रूवल काम करेगा, तभी आप अपना जो टारगेट है रेवेन्यू वाइज वो अचीव कर पाओगे। और उसके लिए आपके पास सबसे ज़रूरी है वर्डप्रेस की बेस्ट थीम होना। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के बेस्ट थीम के ऊपर में डिज़ाइन होनी चाहिए। अब दोस्तों, वर्डप्रेस की बेस्ट थीम क्या होती है, तो उसके पैरामीटर्स है जैसे यूज़र इंटरफेस, क्लियर डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड। अगर आपके ये 5 पैरामीटर्स प्रॉपरली है आपके थीम के ऊपर में, तो आपकी वेबसाइट की थीम या आपकी वेबसाइट प्रॉपर डिज़ाइन होगी। चलो दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में किस तरह से हम लोग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थीम को ढूंढे। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसी थीम के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप यूज करके उसके ऊपर में एडसेंस का अप्रूवल प्लस आपका ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, माय नेम इज संजोग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डिजिटल गुरु संजोग। दोस्तों, चैनल को ढेर सारा प्यार करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनको शेयर करना है चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी एडवांटेज मिले और वो भी समझ पाए कि किस तरह से वर्डप्रेस की थीम्स सिलेक्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप बिगनर हो और अपनी वेबसाइट अपने हाथ से खुद डेवलप करना चाहते हो, तो आपको ऐसी थीम चूज करनी है जो थीम एलिमेंटर इस प्लगइन के साथ में एनेबल्ड हो। आपका एलिमेंटर प्लगइन उस थीम के साथ में एसोसिएट या काम कर सके प्रॉपर तरीके से। अब एलिमेंटर क्या है, 2017 से पहले दोस्तों अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी होती तो आपको डेवलपर के पास जाना पड़ता था और या फिर डेवलपमेंट खुद सीखना होता था। एलिमेंटर टूल आने के बाद में आपके जैसे या मेरे जैसे नॉन टेक्निकल पर्सन भी वेबसाइट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंटर ये एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का एंटायर थीम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी थीम वही होनी चाहिए जहां पर एलिमेंटर प्लगइन एनेबल्ड हो सके। तो फ्रेंड, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर में फ्री थीम ढूंढना चाहते हो, तो वो थीम वर्डप्रेस के अकाउंट ने अप्रूव की हुई होनी चाहिए। जो भी मैं 5 थीम्स आपको बताने वाला हूँ, उन थीम्स को वर्डप्रेस ने अप्रूव किया है और उन थीम्स को आप वर्डप्रेस के सर्च में रिजल्ट में जाकर सर्च कर सकते हो। गूगल पे मत जाइए, अगर वो वर्डप्रेस ने अप्रूव नहीं की हुई तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट मिलना या फिर वो जो भी कंपनीज है जिन कंपनीज ने वो थीम डेवलप की है उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलना मुश्किल हो सकता है। वर्डप्रेस उन्हीं थीम्स को अप्रूव करता है जो ट्रस्ट वर्दी है, इसलिए आप बेटर आप वर्डप्रेस पे जाइए और वहां पे सर्च करके वो थीम्स को ढूंढिए जो मैं बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, हम लोग रिवर्स काउंटडाउन शुरू करते हैं और नंबर 5th पे है शिपली। फ्रेंड्स, हम लोग आगे वर्डप्रेस के ऊपर में, यहां पर अपीयरेंस और थीम में जाने के बाद आपको ये थीम दिखाई देगी, यहां पे सर्च करना होगा आपको और ये अप्रूव थीम है वर्डप्रेस की जहां पर आप इंस्टॉल कर सकते हो और इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप यहां पे देख सकते हो शेपली का ओवरऑल डाउनलोड जो है वो 60,000 प्लस लोगों ने अब तक डाउनलोड किया है और इसका रेटिंग जो है 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स है, तो काफ़ी अच्छा यूज़र का रेटिंग मिला है यहाँ पर इसको। इसका होम पेज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आपको फीचर्स पता चलेंगे यहाँ पर कि जो रिस्पॉन्सिव और फ्लैट डिज़ाइन है इसका, रेटिना रेडी डिज़ाइन से। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वू कॉमर्स, मतलब आप ई कॉमर्स का पेज कर सकते हो, वू कॉमर्स हेल्प करता है ये प्लगइन आपको एक अच्छी और बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। इसका हम लोग डेमो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, डेमो भी आप चेक कर सकते हो, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन साइट है। कलर कॉम्बिनेशन मल्टीपल कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, इसके टैब्स के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा मल्टीपल आप प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोजेक्ट डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये इसके प्रॉज हैं। कॉन्स में अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट एक सबसे बड़ा कॉन है, क्योंकि ये साइट ये थीम जो है फ्री में अवेलेबल है, तो फ्री में आप जो है एक अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मैं इसको सपोर्ट के लिए कम मार्क्स दूंगा। तो ओवरऑल ये बेहतरीन थीम है एक सपोर्ट छोड़े तो। और दूसरा पॉइंट इसका जो वीकनेस है वो है स्पीड। इसका स्पीड दोस्तों अगर जीटी मैट्रिक्स में हम लोग चेक करें तो ये इसमें F मार्क्स मिला, जबकि इसको एटलीस्ट B मिलना चाहिए था। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट्स है जिसके ऊपर काम करना है। बाय द वे, अगर आपको
स्पीड मैटर नहीं करती है, तो उसके हिसाब से आपके लिए कलर कॉम्बिनेशन फॉन्ट साइज के सबसे बेस्ट थीम पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थीम है जिसका नाम है ऑप्टिमाइजर, और ये ऑप्टिमाइजर भी रिसेंटली बिल्डअप थीम है, लेकिन इसके भी अच्छे खासे डाउनलोड आ रहे हैं, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, और हम लोगों ने भी हमारे कुछ क्लाइंट्स के लिए यूज़ किया और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आया उसका। उसके हिसाब से हम लोग अगर चेक करें तो लास्ट अपडेटेड वर्जन एक महीने पहले आ चुका है, तो अगस्त 12 का इसका लास्ट वर्जन है। एक्टिवेशन इंस्टॉलेशन कम है, एस्ट्रा का कंपेरिजन करें हम लोग या किसी और थीम के साथ में 9000 प्लस इसके डाउनलोड्स है, लेकिन इसके जो रेटिंग्स है नई साइट होने के बावजूद इसके 4.5 का रेटिंग है और काफ़ी अच्छा है इसका रेटिंग। इसको अगर हम लोग होम पेज पे चलते हैं इसके, तो हम लोग देख सकते हैं साइट का लुक एंड फील काफ़ी बेटर है फ्रेंड्स, और इस साइट को भी आप, इसके फीचर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर, क्रिएट ब्यूटीफुल पेजेस एंड विजेट्स, उसके अलावा लैंडिंग पेजेस भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, SEO फ्रेंडली साइट है। इसके बाद कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्री में है। इसका अगर हम लोग पेज स्पीड चेक करें, तो मैंने इसके कुछ साइट्स ओपन कर ली हैं और उसमें से एक है ऑप्टिमाइजर, इसको मैंने पेज स्पीड चेक किया है GT मैट्रिक्स में, और उसके हिसाब से इसका स्कोर जो है 94% का आया हुआ है पेज स्पीड। वाई स्लो स्कोर जो 89% है, और उसका फुल्ली लोडिंग टाइम जो है 3.4 सेकंड का दिखा रहा है, तो इसमें ज़्यादा इश्यूज भी नहीं, मोस्टली ग्रीन है दोस्तों। अगर आप ये भी थीम अगर यूज़ करना चाहते हो तो बेटर है। इसके यो कॉन्स में की अगर बात करें तो अगेन सपोर्ट का हर जगह प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर भी है, और कस्टमाइजेशन की उतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं जितनी होनी चाहिए थी, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन इसके बावजूद आप इस थीम को यूज़ कर सकते हो और अपनी साइट को रैंक भी कर सकते हो गूगल के पेज के ऊपर में। सो दोस्तों, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है और मेरे हिसाब से नंबर वन पोजीशन पे भी ये साइट आ सकती है, जिसका नाम है हेस्टिया, और ये वर्डप्रेस अप्रूव्ड साइट है, फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। इसको अगर हम लोग डिटेल में चेक करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेटेड हार्डली कुछ दिनों पहले आया है, 3 अगस्त को इसका अपडेट आया है, 1 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हुए हैं, और इसका रेटिंग जो है वो 5 out of 5 स्टार्स है, तो ये रेटिंग यूज़र रेटिंग के हिसाब से भी नंबर वन पोजीशन पे है। इसको अगर हम लोग डिटेल में देखना चाहेंगे तो इसको होम पेज पे चलते हैं, और होम पेज में हम लोग देखेंगे कि इसका लुक एंड फील किस तरह से, इसका UI देख सकते हैं आप दोस्तों, यूज़र इंटरफेस इसका काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट, इसके फीचर्स भी यहाँ पर हैं दोस्तों। अगेन ये साइट जो है WooCommerce, मतलब आप ई कॉमर्स के लिए परफेक्ट साइट है, एनेबल्ड कर सकते हो इसके साथ में, Elementor इसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है, तो ये इसके प्रॉज है दोस्तों। इसके अलावा SEO फ्रेंडली भी है साइट, काफ़ी अच्छी तरह से SEO फ्रेंडली इसकी एक्टिविटी इसके ऊपर में हो सकती है। आप इसको ऑप्टिमाइज स्पीड जो है वो चेक करते हैं दोस्तों, और ऑप्टिमाइजेशन स्पीड चेक करने के लिए मैंने अगेन GT मैट्रिक्स टूल यूज़ किया, जहाँ पे आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस स्कोर बहुत अच्छा है दोस्तों, A+ इनको मार्क्स मिले दोनों जगह, पेज स्पीड स्कोर में भी और वॉइस स्लो स्कोर में भी, तो ये बेहतरीन पेज स्पीड के लिए जानी जाती है। इसलिए दोस्तों इसका जो कॉन है वो भी देख लेते हैं, और कॉन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कस्टमाइजेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगेन सपोर्ट भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसका सपोर्ट फ्री साइट है, तो थोड़ा कस्टमाइजेशन थोड़ा सा सपोर्ट आपको कम मिलेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट थीम है ओशन WP, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और ईजीली यूजेबल साइट है ये, और इस थीम को आप फ्री में ले सकते हो, और इसके अलावा ये अप्रूव्ड थीम है वर्डप्रेस के साथ में, और पेज बिल्डर जो है Elementor का इसके साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाता है। अगर इसका प्रीव्यू पेज देखें हम लोग, तो इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो 2 सितंबर को आया, मतलब कुछ वीक, 1 वीक के पहले। एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके 6 लाख के ऊपर में है, वर्डप्रेस वर्जन 5.3 है और PHP वर्जन 7.2 है। इसके अलावा अगर इसकी रेटिंग देखें तो 5 out of 5 रेटिंग है दोस्तों। हम लोग इस पेज का हम लोग देख लेते हैं कि इसका थीम का होम पेज में फीचर्स क्या अवेलेबल है। अगर फीचर्स पर आ जाए तो वी कैन सी हियर देर इज SEO based built-up, fastest page loading time, e-commerce readily available और fully responsive site है दोस्तों, मतलब मोबाइल के ऊपर में भी responsive है। इसका पेज स्पीड भी हम लोग चेक कर लेते हैं, और पेज स्पीड चेक कर लेने के लिए मैंने इनका ये थीम यूज़ किया है चॉकलेट वाला, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया था चॉकलेट पेज, और इसका पेज स्पीड मैंने चेक किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इसका पेज स्पीड जो है 99% के साथ में बहुत बेटर है, और 92 इसका वॉइस स्लो स्कोर है, लेकिन लोडिंग स्पीड इसका 3 सेकेंड है, जस्ट 3 सेकेंड दोस्तों, तो ये काफ़ी बेटर साइट है। इसका देख सकते हो इसके जो रिव्यूज़ में आए हैं, इसका पेज स्पीड से रिलेटेड जो भी GT मैट्रिक्स ने शेयर किया है उसके हिसाब से सब ग्रीन है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से ये साइट वन ऑफ द बेस्ट साइट है दोस्तों आपके यूज़ के लिए, और फ्री में अवेलेबल है, तो जाइए इसको यूज़ कीजिए। सिर्फ एक ही कॉन है इसका, लिमिटेड कस्टमाइजेशन है,
सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थीम है जिसका नाम है एस्ट्रा, बहुत पॉपुलर है इंडिया में क्योंकि इंडियन डेवलपर ने डेवलप की हुई थीम है और 2017 से अब तक इसके कई लाख डाउनलोड आ चुके हैं। ये फ्री में भी अवेलेबल है और पेड में भी अवेलेबल है। इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू में आप देखेंगे इसका जो लास्ट अपडेट है हार्डली 2 दिन पहले आया हुआ है 9 सितंबर को, 10 लाख के ऊपर इसके डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक और इसका रेटिंग भी जो है 5 out of 5 स्टार्स के साथ में नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे इस साइट के थीम होम पेज को तो उसके ऊपर में फीचर्स है जो SEO फ्रेंडली है ये साइट दोस्तों, इसके साथ में कोई भी SEO फ्रेंडली प्लगइन्स आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये WooCommerce के लिए भी कॉम्पेटिबल है और बेस्ट तो ये है दोस्तों यहाँ पर आप हुकर्स और फिल्टर्स यहाँ पर कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा है इसके ऊपर में और इसका पेज बिल्डर जो है हम लोग एलिमेंटर की जो डिस्कशंस कर रहे हैं तब से एलिमेंटर का पेज बिल्डर इंटीग्रेट हो जाता है और उसके थ्रू आप कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। इस साइट के कुछ थीम्स मैंने ओपन की है और उसमें से एक है दोस्तों ये आउटडोर एडवेंचर, उसका पेज स्पीड चेक करने के लिए मैंने GT मैट्रिक्स को यूज़ किया है और पेज स्पीड आप चेक देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा है दोस्तों। पेज स्पीड स्कोर जो है 92% का है और फुल्ली लोडेड टाइम जो है हार्डली 1.6 सेकंड का है। वॉइस स्लो स्कोर जो है 82% है, वो भी अच्छा ही है, 80 अबव अच्छा होता है। तो इसके हिसाब से इसकी ये प्रॉज हो गए। कॉन में सिर्फ एक ही पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको इसको सपोर्ट और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सर्विसेज नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है जब तक आप उनका प्लान जो है प्रो वाला उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा भी लोग उन्हें फ्री में बहुत यूज़ किए, 10 लाख के ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी थीम है दोस्तों यूज़ करने के लिए फ्री में। सो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की थीम शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से ब्लॉगर और वर्डप्रेस का डिफरेंस होता है और किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को वर्डप्रेस यूज़ करना है। इस वीडियो में हम लोगों ने थीम्स के बारे में डिस्कस किया और आने वाले वीडियोस में हम लोग डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस का डेवलपमेंट समझेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे किस तरह से वर्डप्रेस के जो पॉपुलर प्लगइन्स है लाइक योस्ट SEO, रैंक मैथ, जिससे आपको SEO करने में हेल्प होगी, वो भी समझेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जाइए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले। बेल आइकन को भी पुश कीजिए और अपने लव्ड वन के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट किस तरह से डेवलप की जाती है, थीम किस तरह से फाइनल की जाती है, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों, आप ही मत सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल।